लघुतम लेना तो आता है ना, ये तीन और यहां पे आया तीन, तो 164/3। वो जब बागवान ही गया तो यहां पे कोई ऐसा नहीं होएगा कि यहां चले जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक ही तो प्लस किया है, तो ये पूर्णांक में नहीं है, एन पूर्णांक में नहीं है। नहीं है, अतः -150 इस समांतर श्रेणी का पद नहीं है, इसका पद नहीं है। यस, इसका पद नहीं। बच्चों ये छोटी छोटी बातों पे नहीं ध्यान देना कि मैंने यहां पे एपी नहीं लिखा, इस एपी का पद नहीं है, या ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देना। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव हेल्प कीजिए, हम थोड़ा सा स्ट्रांग बने, आप स्ट्रांग बने, आप अगर खुश रहेंगे हम खुश रहेंगे, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी निहित है। यस, इस तरह से आगे वाले जो सवाल है बच्चों आप प्रैक्टिस करना। सातवां सवाल, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो इसमें वही ए और डी निकाल लेंगे दो। यहां पे तेजी से हम बता दें बच्चों, पूरा सवाल हम नहीं बताएंगे वक्त की कमी की वजह से। यस, केवल हल्का फुल्का बता रहे हैं आपको सातवें सवाल के बारे में, करना है मिटा नहीं रहे, केवल ये 14वें सवाल का मिटा रहे हैं। सातवें सवाल में केवल इतना सा हिंट हम आपको दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे। 31वां पद ज्ञात करना है आपको, 11वां पद यानी ए 11 आपको दिया हुआ है 38, और आपको दिया हुआ है ए 16 है 73, और आपको ज्ञात करना है 31वां पद ए 31, ये ज्ञात करना है आपको। तो समरी ये है, इसका सारांश ये है, ए प्लस 10D बराबर 38। अरे वही घटाना है ना इसमें से एक, और इधर बताओ ऐसा ही तो है। हाँ, ए प्लस 15D, बहुत अच्छे बच्चों, पहले से तो बहुत सुधर गए आप लोग। ये ए प्लस 10D बराबर 38 और ए प्लस 15D बराबर 73। इस समीकरण से और इस समीकरण से ए और डी निकाल लेना। जब ए और डी आ जाएगा तो एन का मान 31 है, ए और डी और तो ए 31 आराम से आ जाएगा। आगे के तमाम सवाल, मतलब तमाम बोले तो ये 8वां 9वां 10वां 11वां बीच बीच के जो छोड़े हैं ना बच्चों, ये ऐसे ही सवाल है, तो पूरा हम भी नहीं करें